Hey guys, welcome back to my channel. और आज हम जाएंगे मेले में। पापा ने बोला था कंफर्म नहीं है, पीछे मत पढ़ना। याद है कुछ? कंफर्म नहीं है, क्या पता जा सके। हाँ, तो पीछे मत पढ़ना। क्या पता जाएं? हाँ, क्या पता? हो सकता है जाएं। क्योंकि पापा बाहर गए हैं, संडे वाले दिन भी एक दिन होता था रेस्ट का, दिन भी कितनी देर में आ गए। कल के व्लॉग में साफ साफ बोला है कि आप मुझे चिप्स दिलाओगे। हाँ हाँ दिला दूंगी, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। मैंने मना किया, पैसे दे दो। पापा ने मेरे को वैसे बोला है तेरे को डॉक्टर एक मम्मा एक एक चिप्स कुछ और ले लो, फिर क्या दूंगी? कुछ भी लेना, पर चिप्स नहीं लेने। पैसे तो दे दो, क्या दूंगी? पैसे दे दूंगी। हाँ, मैं साथ साथ में खाना बनाती हूँ, साथ साथ हम दो चार वीडियो शूट कर लेते हैं पापा के आने से पहले, ठीक है? कौन सब सोच के रखे है ना, कल रात को सोचे थे ना, कौन कौन से याद है? आप क्या कर रहे हो ऐसे? चाय पी रहा हूँ। आज हम मेले में जाएंगे ना? मेले में नहीं जाएंगे, पहले तो मैं गया था इलेक्शन वोटिंग मेरी कुछ APRO, जो मेरी पोस्ट का नाम है APRO। नौ बजे से 11 बजे वही था, सुबह सुबह 40 किलोमीटर के जहाँ पोस्टिंग है मेरी, ऑफिस आए हूँ। अब मैं करूँगा पूरा दिन रेस्ट, देखूँगा टीवी, अपने आप अकेले चल जाना ज्यादा। मम्मा पापा बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला कल की हम मेले में जाएंगे। पापा ने कहा था, मैंने कंफर्म नहीं किया। पापा ने बोला तो था ना कि हम जा सकते हैं। कंफर्म नहीं किया तो पीछे पापा ने, इसलिए पापा मैंने बोला। व्रत रखने का क्या फायदा, लालच से भरे पड़े हो। कड़ी के साथ रोटी, कड़ी के साथ रोटी, शांति रखो थोड़ी सी, 3 दिन और है। चाय तो पी सकते हैं। सप्तमी हुई ना, अष्टमी होएगी फिर, बस 3 दिन बाद। वो मैं पूछती हूँ किसी से क्या है। तू जाके नहा के आ चल। तो हम लोग अभी पी रहे हैं चाय और साथ में पीनट्स और बनाना चिप्स खा रहे हैं। चलो अब पूछते हैं पापा, मेले में चलेंगे? हाँ चलेंगे, चाय पी के। ये पापा चलेंगे नहीं पियूंगा। मैं भी चाय नहीं पीऊंगा। तो अभी हम जा रहे हैं मेले में, और एज यूजुअल जब हम कहीं पे पिछली बार जा रहे थे सेम ऐसे खड़े थे, और कुंजी में से खड़े थे। पापा देखने दो ना मेरे को भी। कुछ तो कौन कौन से झूले करेगा उधर, कौन कौन से झूले लेगा उधर। कुंजी तुमने आज अपना छपरियों वाला डांस नहीं किया? कुंजी ने अपना छपरियों वाला डांस नहीं किया आज? चलो छपरियों वाला लड़ा। ओह अच्छा था, नहीं अच्छा नहीं था यार, स्पीड से। कहाँ पड़ा था, मैंने नहीं देखा। मेरी आई साइड तो नहीं वीक होगी। गिव मी कार कीज। Give me car keys. Give me car keys. Are you happy? No. क्यों? क्यों? You are going to mela. मैं happy होना चाहिए, हमें mela में क्या करना है? You can't eat anything. हम चल दिए हैं दशहरा मेला देखने बच्चों की जिद पर, लेकिन यहाँ ट्रैफिक ही इतना हो रहा है। देखने नहीं। जा फिर क्या करने? फिर क्या? लेने। तो आखिर बहुत लंबा ट्रैफिक, उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं इधर मेले में। तो मेले में पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा साउंड थी तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। रुचिका के साथ यहाँ पोपट हो गया कि रुचिका पापा का हाथ पकड़ने जा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, पर रुचिका का हाथ पापा ने नहीं पकड़ा तो रुचिका बोल रही थी। अखंड बेइज्जती हो गई मेरी तो। और कुंज का छपरी डांस कहीं भी स्टार्ट हो जाता है
उसके बाद मेले में एंटर करते ही यहाँ राम सीता जी बैठे थे और यहाँ हमने थोड़ी देर उनके दर्शन किए, उसके बाद चल दिए आगे। और आज होशियारपुर के सब लोग लगता है होशियारपुर मेले में ही आ गए थे दशहरा मेला में, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा रश मैंने आज तक मेले में नहीं देखा। हम पहले भी जाते आ रहे हैं लेकिन आज तक इतना रश नहीं देखा, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी। पता नहीं रुचिका और मैं यहाँ क्या बात कर रहे हैं, रुचिका शायद बोल रही है कि मम्मी हम लोग जल्दी आ गए। मैंने कहा जल्दी है। उसके बाद हम चल दिए यहाँ सबसे पहले झूलों वाले सेक्शन में। बच्चों को तो मेले में सबसे ज़्यादा झूले ही पसंद आते हैं, लेकिन हम झूले ले नहीं पाए, मतलब दिला नहीं पाए बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं तो झूले लेती ही नहीं, और वैसे भी हमारे फास्ट चल रहे हैं तो खाया पिया कुछ है नहीं, तो इसीलिए झूलों पर बैठे नहीं। उसके बाद यहाँ जाते ही सबसे पहले कुंज को खाने की चीज़ें नज़र आने लग गई, और उसने लिया बुड्ढी के बाल जिसे हम कहते हैं कॉटन कैंडी, और सबसे पहले कुंज ने कॉटन कैंडी मांग ली। उसके बाद वो ढूंढ रहा है कि कौन सा झूला सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ। और आपको पता है जहाँ लेडीज़ मेले में या कहीं भी जगह पहुँच जाए और उन्हें ज्वेलरी देखकर और रुके ना, ऐसा हो नहीं सके। उसके बाद मैंने देखा वहाँ इत्र की शॉप थी और मुझे मेरा मन था इत्र लेने का, क्योंकि मैंने सुना है कि इत्र लगाने से शुक्र देव हम पर मेहरबान होते हैं, शुक्र। तो मैंने सोचा क्यों ना शुक्र देवता की मेहरबानी ले ली जाए। और उसके बाद यहाँ रुचिका और कुंज ने ये गोल गोल चक्री वाला ये किया, आप इसे क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये काफ़ी पहले ट्रेंडिंग में था, लेकिन हमने नहीं किया तो भी रुचिका और कुंज ने ये किया, और आपस में पता नहीं क्या बातें करे, कौन सा सॉन्ग आ रही है मुझे नहीं मालूम है लेकिन जो भी उनको देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ अब कुंज के नाटक ख़त्म ही नहीं होते हैं। रुचिका अपनी आइसक्रीम आदि फिनिश कर चुकी है, लेकिन कुंज को अपनी आइसक्रीम समझ ही नहीं आ रही थी कि उसे लेना क्या है। उसके बाद हमने देखे छोटे छोटे टिफ़िन बॉक्स, हमने सोचा कंजक खिलाएंगे तो बच्चों को कुछ ना कुछ हम देंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना टिफ़िन बॉक्स ही ले लिए जाएँ, बच्चे स्कूल में फ्रूट्स लेकर जा सकेंगे इसमें, तो हमने वो ख़रीद लिए। उसके बाद ऐसा बर्तन चाहे घर में कितने ही क्यों ना हो और हम बर्तनों की शॉप पे ना रुके, ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने काफ़ी सारे वहाँ बर्तन देखे। उसके बाद कुंज के फिर वही टॉय टॉय टॉय, ये लेना है वो लेना है, ये नहीं लेना वो लेना है, स्लाइम भी लेनी है वो भी लेना है, तो उसका वही चल रहा था। लेकिन उसने वहाँ से स्लाइम ख़रीदा, जो कुंज को स्लाइम और क्ले बहुत पसंद है, तो जब भी जहाँ भी जाता है वो स्लाइम और क्ले ज़रूर लेता है, यहाँ उसने क्ले ले लिया। उसके बाद वो क्ले लेके इतना खुश हुआ, अभी खोल कर दो, लेकिन अभी खोलने का कोई मतलब नहीं बन रहा था, तो हम लोग चल दिए भीड़ में से जगह ढूंढते हुए। उसके बाद हमने देखा ये बर्तनों वाला, तो मैं ही बोल रही हूँ अच्छे और मैं ही बोल रही हूँ रखेंगे कहाँ, ये बोल रहे हैं जगह ही नहीं है। बात सही है, घर में डेकोरेटिव आइटम रखने की जगह ही नहीं है, तो हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया, सब देख के वापस आ गए। इसका डांस कहीं भी स्टार्ट हो जाता है, ध्यान से कोस यहाँ पे कुंज रुचिका ने ले ली आलू टिक्की, लेकिन उनको स्पाइसी लग गया, उनको चाहिए था पानी। और यहाँ काफ़ी सारी स्टॉल्स लगी हुई थी राजस्थानी फूड, और सब तरीके का हर स्टेट का फूड वहाँ मिल रहा था। यहाँ रुचिका कुंज को पानी की प्यास लगी तो उन्होंने ले लिया पानी, और हमने यहाँ कुछ भी नहीं खाया, इनका मन तो हो रहा था लेकिन पास चल रहे हैं, लेकिन कुछ खाया नहीं है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि नवरात्रों के बाद एक राउंड और मारेंगे मेले में। और हमें काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हम लोगों ने आपको मेले में देखा, मतलब हमारे फॉलोवर्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं फेसबुक पे, उन लोगों ने हमें काफ़ी मैसेज किए कि आप लोगों को हमने मेले में देखा लेकिन मिल नहीं पाए, तो क्या कर सकते हैं, बहुत रश था, अगर आप लोग हमसे मिलते तो हम ज़रूर मिल लेते, लेकिन इतने रश में हम लोग किसी से मिल नहीं पाए। तो नेक्स्ट टाइम फिर से हम प्लान करेंगे कि हम लोग मेले में फिर जाएँ। नेक्स्ट अभी देखते हैं, नवरात्रि ख़त्म होने के बाद एक राउंड और मेले में मारेंगे, अगर कोई हमें मिला तो हम ज़रूर उनसे मिलेंगे, बाकी इतने भीड़ में किसी से मिल नहीं पाते हैं। तो यहाँ फिर हमने यहाँ पे बच्चों के साथ सोचा झूले नहीं दिला सकते तो ये छोटे मोटे गेम्स ही खेल लेते हैं। यहाँ हमने गन उठाई और निशानेबाजी करी, जिसमें मैंने और कुंज ने, इन्होंने तो किया लेकिन रुचिका का एक भी निशाना लगा नहीं। उसके बाद ये छोटा मोटा गेम खेला हमने, इसमें था कि नंबर्स, जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे तो कुछ ना कुछ प्राइस था। 36 पे था यहाँ टीवी, लेकिन 36 नंबर किसका ही निकलेगा,
कोई किस्मत वाला ही होगा, पहली बात तो ये निकलते ही नहीं होंगे। और यहाँ हमने एक बार ट्राई किया तो हमें एक मिला बिस्किट का पैकेट, और सोचा क्यों ना एक बार ये वो ट्राई किया जाए, शायद कुछ ना कुछ अच्छा निकल जाए। लेकिन सेकंड टाइम में भी हमें कुछ नहीं मिला। तो हमने जब दोबारा किया तब भी हमारा 22 नंबर निकला, जो लिस्ट में था ही नहीं। और फिर हमें एक पेन मिला हारने पर। कुछ देख कितनी बड़ी चेयर है, काफी एंजॉयमेंट किया हमने। कुछ उस पे देख, जूस चल देखते हैं, चल तो उस चेयर पे बैठ, देख कितनी बड़ी चेयर है। रुचिका क्या लिया तूने? कुछ तो स्लाइम पहले ली तूने ना? तो फाइनली हम इतने भीड़ से निकल कर बाहर निकल कर आ गए हैं। आज इतना भीड़ था ऐसा लगता पूरी होशियारपुर, पूरा होशियारपुर आज एक दिन में इकट्ठा हो गया।